भाईजान मैं पूरा कहने की दाए छोटा जाए सह में रहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना अयाज़ बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जैसे आप बैकग्राउंड में नाज़रीन देख सकते हैं, बकरा ईद का माहौल है। हम जो है एक मिनी मवेशी मंडी कह लें या एक डेरे पे आए हुए हैं, बड़े जानवर अपनी कुर्बानी के लिए पसंद करना। तो सुन्नत इब्राहिमी है ये जो गोश्त है या जो हज़रत इब्राहिम की सुन्नत पूरी करते हैं हम। मैं ये तो नहीं आपको बताऊँगा कि कौन सा जानवर पसंद किया है या उसका कितना वो है। तो हम चलते हैं अरमान भाई के पास, तो उनसे पूछते हैं जानवरों के बारे में। जिस जानवर के सामने ये खड़े हैं, बड़ा खूबसूरत ये बछड़ा कह लें, गाय कह लें, सॉरी, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे 3-4 मन की वैसे लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई। वालेकुम सलाम भाई जान। सर इस जानवरों के बारे में ज़रा बताएं। जी सर, पहले एक एक जानवर के बारे में, इस जानवर के बारे में बता दें माइक। क्या बताएं सर इसके बारे में? इसके बारे में ये बताएं कि इसका वज़न कितना है? इसका वज़न सर इस टाइम 4.25 मन। 4.25 मन है, माशाल्लाह बड़ा जानवर लग रहा है। और इसके बारे में ये बताएं कि ये चारे में आप क्या डालते हैं? सर चारे में हम इसको वंडा वगैरह डालते हैं, खल डालते हैं। अच्छा, घास वगैरह तूड़ी से। तो ये आपके अरमान भाई घर का पला हुआ है या मंडी? घर का पला, घर का पला हुआ, पिछले एक साल से खुद ही पाल रहे हैं। जी जी, खुद ही पाल। सही सही। और ये जरा ये चारा दिखाएं कैमरामैन से, रिक्वेस्ट करूं। इसमें ये क्या क्या डालते हैं जिससे ये माशाल्लाह इतना सेहतमंद है? तूड़ी है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा वंडा है। अच्छा, चोकर है। सही। अच्छा, साथ वाले जानवर का बताएं इसका क्या है? उसका वजन सर इस टाइम 3.25 मन। अच्छा, 3 मन है तकरीबन। जी, अप्रॉक्स हिस्सों का बता ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं कोई अगर। इसमें 22,000 का हिस्सा है। अच्छा, 22, माशाल्लाह से ये फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। अच्छा, उसमें 13,000 का है। अच्छा, इसमें भी 13,000 का, ये भी माशाल्लाह से फाइनल हो गया। तो अरमान भाई हर साल आप कितने एक जानवरों की कुर्बानी वगैरह करते हैं डेरे पे? हमारे तकरीबन ना 15 से 20 जानवर होते हैं। सही सही, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, जानवर का हिस्सा रखते हैं। सही सही। तो ये जो खड़ा है बछड़ा कह लेंगे, इसका भी तकरीबन 3.25 मन वजन है। अच्छा, 3.25 मन। नाजरीन ये जो 3 जानवर आपने देखे हैं माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं। 20,000 से जो है 20,000 से ऊपर का हिस्सा है। पिछले एक साल में जो महंगाई पड़ी है, जैसे भाई ने भी बताया, जो वंडा है, चारा है, इनका घास है, जो भी ये चीज़ें खाते हैं बहुत महंगी हो गई हैं। गोश्त भी अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं बकरों की तरफ तो जा नहीं सकते, जो 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख के बकरे हैं, और जो कम कीमत के बकरे हैं वो अब 10 किलो भी गोश्त निकले, 15 किलो क्या इंसान बांटे और क्या वो जो करे। तो आपको जो लिए चलते हैं जो कट्टों की जानिब, जो है ये भैंसे कह लें इनको, उस तरफ लिए चलते हैं। तो अरमान भाई जो है हमारे ये सबसे जो बड़ा माशाल्लाह सेहतमंद खड़ा हुआ है, ये थोड़े घुसीले भी होते हैं वैसे कुछ भी नहीं कहता, ये पीछे से ना कुछ मार देना। तो माशाल्लाह ये देखें नाज़रीन, अल्लाह की राह में ये कुर्बान होते हैं, हलाल जानवर हैं। और जितने हज़ारों लाखों हमारे मुल्क में कुर्बानियाँ होती हैं हर साल बकरा ईद पे, तो उसके बावजूद जो है आपको फिर भी ये जानवर देखने को मिलें, क्योंकि ये हलाल जानवर है, अल्लाह ताला ने इनका गोश्त हलाल किया हमारे ऊपर। तो इसके बारे में बताएं सर क्या इसका? सर माशाल्लाह 5 मन वजन है। थोड़ा क्लोज सर दिखा दें इसका, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जानवर है। 2,500 का हिस्सा ही है। सही सही। और कट्टों के बारे में बताएं? इसका 4.5 मन वजन है। अच्छा, इसका 4.5 मन, 25,000 का हिस्सा है। बहुत ज़बरदस्त जानवर है जी, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये थोड़ा गुस्सा कर रहा है, मुझे थोड़ा डर भी लगता है नए बंदे को, आपने तो माशाल्लाह पाले हुए हैं। अच्छा सही सही। अच्छा सही जी, ये ना 3 मन का है और इसमें 16,000 का हिस्सा डाला हुआ है। तो ये चारा वगैरह सेम ही खाते हैं? चारा वगैरह तो सेम। स्पेशल चीज़ कोई बताएं? नहीं नहीं, स्पेशल चीज़ यही होती है इनको, वंडा वगैरह डालें, गोश्त डालें। हाँ जी, टाइम पानी वगैरह गर्मियों में ख्याल करना पड़ता है। हाँ जी, पानी 3 टाइम नहलाएं इनको। सही। तो नाजरीन आज की जो व्लॉग में आपको मैंने 8-10 जानवर दिखाए हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं। मैं आपको ये बता दूँ, मैंने यही हिस्सा रखा है, मैं जानवर नहीं बताऊँगा क्योंकि रियाकारी में आ जाता है ये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हम सब की कुर्बानियाँ और सारा कुछ। बहुत शुक्रिया आज की व्लॉग देखने के लिए, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।